हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार। एक बार फिर से आपका स्वागत है डी स्किल इंडिया में। लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है। अब इस खाली समय को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, चलिए आज हम आपको इस खाली टाइम में लाइट बोर्ड बनाना सिखलाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम लाइट बोर्ड की तरफ ले चलते हैं, जो कि आप देख रहे हैं ये कामधेनु मिशन भंडार का लाइट बोर्ड लगा हुआ है और ये काफ़ी समय से ख़राब पड़ा है। तो आज इसके बारे में हम कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम इसको रिपेयर करके इसको दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो देखिए, आप बोर्ड देख पा रहे होंगे। अब इस बोर्ड को हम लोग ओपन करके इसका जो भी इक्विपमेंट्स होता है वो नीचे लेके आ रहे हैं। तो चलिए हम आपका इसके इक्विपमेंट्स, जो भी कंपोनेंट लगे हैं, उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चलिए मैं अब आपको लाइट बोर्ड के क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और आप इससे भरी अच्छी तरीके से इस डिवाइस के बारे में जानते हैं, इसको हम लोग ट्यूबलाइट कहते हैं, जो कि फिलिप्स कंपनी की है। और इसके दो इस साइड पॉइंट होते हैं और दो इस साइड, जो कि इसके फिलामेंट से जुड़े होते हैं। और अगला जो पार्ट है ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक चॉक। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चौक है, जिसमें ये जो दो पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग एसी से कनेक्ट करते हैं, इसमें हम लोग लाइन देते हैं। और ये जो दो पॉइंट होते हैं, ये दो अलग अलग है, ये ट्यूबलाइट के दोनों साइड जाते हैं, एक साइड ये और एक साइड ये फिलामेंट में। और बाकी और इसका कुछ वायर का ज़रूरत पड़ता है इसका कनेक्शन करने के लिए। तो आपको इसका कनेक्ट कैसे ट्यूबलाइट चेक करना है, कैसे चौक चेक करना है, कैसे वायर चेक करना है, इसकी जानकारी भी साथ में देते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका बाई डायग्राम के द्वारा हम आपको इस बोर्ड को कैसे रिपेयर करेंगे आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे हम आपको एक लाइट बोर्ड का डायग्राम बता रहे हैं, जैसे कि जिसमें क्या क्या कैसे कनेक्ट करना है इसका, इसके बारे में आपको हम डिटेल देंगे। ये आपका ट्यूबलाइट हो गया, जिसके फोर पॉइंट है, 1, 2 एक साइड और 2 एक साइड। और ये आपका हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक चॉक। इसमें आपका एक साइड 2 पॉइंट्स होंगे जो एसी से कनेक्ट होंगे, 220 वोल्ट, और एक साइड 4 पॉइंट होते हैं दो अलग अलग कलर में। तो यहाँ से हमको लाइन इसमें देना है और यहाँ से ये आउट करेगा और ट्यूबलाइट में जाएगा। तो ये जो दो सेम कलर के वायर होते हैं उसको आपको ले जाके कनेक्ट कर देना है ट्यूबलाइट के इस पॉइंट में, एक पॉइंट में, और दूसरा वायर को ट्यूबलाइट के दूसरे पॉइंट में, इस तरीके से, इस तरह से वायर ले जाके आपको एट द पॉइंट आपको कनेक्ट करना है। और बाकी जो दूसरे ये बेसिकली ग्रे कलर में अवेलेबल रहेंगे दो वायर, और दो वायर आपके वाइट कलर में अवेलेबल रहेंगे, दो ग्रे सेम साइड ऑफ फिलामेंट में आपको कनेक्ट करना है। अब जो अदर कलर है उसको फिलामेंट के एक पॉइंट में जोड़ना है, और ये वाला को भी आपको एक पॉइंट में जोड़ना है। एक बात और, ग्रे इस साइड के जगह इस साइड भी लगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। इस तरह से हम लोग वाइट और ग्रे जो दो दो वायर होते हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये वाइट है जो ट्यूबलाइट के इस साइड में कनेक्ट होगा, एक इसमें और एक इसमें। ये अगर चेंज भी हो जाता है इंटरचेंज तो लाइट को जलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उस साइड इस साइड आपको बता दिया, दोनों पॉइंट में आपको वाइट का कनेक्शन करना है, और अब इस साइड जो दो ग्रे है वायर ये इस साइड कनेक्ट करना है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइन लाके एक इसमें और एक इसमें लाइन और एक न्यूट्रल दोनों को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये तो बेसिक डायग्राम था जिसके ज़रिए आप जान पाए हैं कैसे कनेक्ट होता है कनेक्शन।
अब हम आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहते हैं कि इस चौक को आप कैसे चेक कर पाइएगा। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों अभी लॉकडाउन का समय है, फिर भी रोड पे काफ़ी गाड़ी जा रहा है और हम इस वीडियो को आपको दुकान में ही बना सकते थे, इसलिए साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये है आपका डिजिटल मल्टीमीटर, तो अभी ये ऑफ के कंडीशन में है। इसको हम लोग 2000 k रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी एरिया में लाएंगे और हम लोग एक वन बाय वन इस चौक को चेक करेंगे। चौक को चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले ये मीटर के दोनों प्रोब को आपस में टच करें, कंटिन्यूटी इससे टेस्ट हो जाता है कि आपका मीटर रेडी है चेक करने के लिए। अब हम लोग कुछ इसको इस तरीके से एक पॉइंट में और इस तरीके से एक दूसरे पॉइंट में कनेक्ट करते हैं तो आपका कुछ रीडिंग शो करता है, अप्रॉक्सीमेट 900। ये आपका कंटिन्यूटी बता दे रहा है, इसका मतलब ये चौक का पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। अब दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग चेक करते हैं, इसको हमको थोड़ा वायर को कटिंग करना होगा। इसी सेम आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी आपका जो रीडिंग होना चाहिए 900 to 1000 अप्रॉक्सीमेट शो कर रहा है। आप इस प्रोब को बदल के भी लगाते हैं तो सेम रीडिंग आएगा, ऐसा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बदल के चेक हुआ कि नहीं, मतलब कि आप दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब एक ये तो आपका आउटपुट साइड चेक किए हैं, इनपुट किस तरफ भी हम आपको चेक करवा देते हैं, जिधर एसी आपको इन करना है, इधर भी आप इस तरह से लगाते हैं तो आपका मीटर में रीडिंग शो करेगा। तो इस तरीके से हमने पाया कि ये चौक पूरी तरह से सही है, ऐसा ना हो कि आप बिना चेक किए हुए लगा देते हैं और फिर सारा आपका मेहनत बर्बाद हो जाता है। अब हम लोग इस मीटर को इस पॉइंट से हटा करके बीप के रेंज में सेट करें। बीप के रेंज से हम लोग क्या फ़ायदा है, बस इससे कंटिन्यूटी भी इसमें दिखाएगा और साथ में एक आपके पास साउंड भी आएगा ताकि आप आराम से क्लियर हो पाए। अब हम लोग ट्यूबलैम को चेक करेंगे। ट्यूबलैम में उसी तरीके से आपको एक पॉइंट इस पॉइंट में और एक इसमें जब आप लगाते हैं तो आपका मीटर में रीडिंग शो करता है, साथ में बीप भी आ रहा है मीटर की तरफ, देखिए आपका रीडिंग दे रहा है। तो इस तरह इस साइड का इस साइड का फिलामेंट आपका सही है। अब हम दूसरे साइड का भी फिलामेंट चेक करना चाहेंगे, क्योंकि किसी एक साइड भी आपका फिलामेंट सही नहीं रहेगा तो आपका ये मरकरी ऑन नहीं होगा। देखिए इस साइड भी आपका रीडिंग बता रहा है और बीप भी बता रहा है, मतलब आपका इस ट्यूब लैंप के दोनों साइड का फिलामेंट सही है, साथ ही आपका ये चौक भी सही है। हमने आपको कनेक्शन बताया था, ये वाइट वायर को इस दो पॉइंट में कनेक्ट कर दिए हैं और ग्रे वायर को आपका ये दो पॉइंट में कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको हम आपको जला करके दिखलाते हैं, कनेक्ट कर देना है और स्विच। देखिए ये आपका चौक ट्यूबलाइट रेडी हो गया है, जल रहा है। अब आगे का कनेक्शन आपको बताते हैं। चलिए अब ये आपका देख पा रहे होंगे सारा ट्यूबलाइट इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में हम लोग और समझ लेंगे कि लाइट बोर्ड में एक से अधिक ट्यूबलाइट होते हैं, तो ये तो आपका एक का कनेक्शन है, सेम उसी तरह जैसे यहाँ है वैसे तीन ट्यूबलाइट हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं। तीनों का एसी का पॉइंट वायर को एक साथ हम लोग पैरलर में कनेक्ट कर देंगे और पैरलर में ला के आपका इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब आपका का कनेक्शन दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए सारा ट्यूबलाइट हम इस बोर्ड में सेट कर चुके हैं। ट्यूबलाइट नंबर 1 2 3
4। और इसका कनेक्शन क्या है? ये तो इस साइड का हम लोग कनेक्शन करके लाए थे और यहाँ पे एसी देने का बात थी, तो एसी में सारा वाइट वायर को एक साथ जोड़ देंगे ब्लैक को। और ये जो आप देख रहे हैं ये वायर उस ट्यूबलाइट में गया हुआ है। अब हम लोग इस पॉइंट में लाइन देंगे, लाइन का कनेक्शन करने के साथ ही ये जलने लगेगा। चलिए हम सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। ये जो आप वायर देख रहे हैं ये नीचे से लाइन आया हुआ, इस वायर में लाइन से कनेक्टेड है हमारा बोर्ड से। अब जहाँ इसमें लाइन का कनेक्शन दे देंगे ये बोर्ड जलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमको इसको दोनों में कनेक्ट कर लेना है और ये दोनों आपस में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइन में अगर ये आपस में टच होता है तो शॉर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग अच्छे तरीके से टेप मार देंगे। सुनील जी लाइट दे दीजिए। देखिए ये सारे लाइट जल चुके हैं, नीचे से लाइन दिया गया है ये दो और एक वहाँ, और ये आपका जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं ये कामधेनु मिष्ठान भंडार का। अब हम लोग बस ये बोर्ड टाइट करेंगे। इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से ये लाइट बोर्ड कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉनिक चौक के को रिपेयर करने के लिए जानना होगा तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको इलेक्ट्रॉनिक चौक रिपेयर करना भी बताएँगे। थैंक यू।